तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ लिटिल कृष्णा जी की ड्राइंग। तो मैंने इनकी फोटो इंटरनेट से निकाली थी, सो सेम मैं ऐसा ही बनाने वाला हूँ। तो मैंने आउटलाइन पहले से ड्रॉ कर ली थी, अब मैं कलरिंग करूँगा। सो कलरिंग के लिए मैंने नॉर्मली पेंसिल कलर का यूज़ किया, जो आपको नॉर्मली शॉप पर कहीं पर मिल जाता है 20 to 30 रुपीज़ में। तो यहाँ पर मैंने शेडिंग कर दिया कलर करने का, तो मैंने हेड्स के लिए ब्लैक कलर का यूज़ किया। सो फटाफट से मैं इसे कलर कर लेता हूँ। और गाइस, वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैं अपने लकी सब्सक्राइबर का नाम बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी वीडियो पे अच्छा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, फुल वॉच करना है और वीडियो को किसी के पास शेयर करना है। तो आप भी मेरी वीडियो में एक लकी सब्सक्राइबर बन सकते हो। और गाइस, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते, तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो को एंड तक देखा करो। और यहाँ पर मैंने हेड को पूरा ब्लैक कलर कर दिया है। अब मोर के पंख के लिए मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया था, और मोर के अंदर के हिस्से के लिए येलो और ब्लू। और आईब्रो के लिए मैं सीडी मार्कर से कलर करने वाला हूँ, और आँख के आउटलाइन के लिए मैंने सीडी मार्कर का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर दोनों आईज को सीडी मार्कर से कर दिया है। और जो कृष्णा जी का तिलक होता है टीका, उसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। अब जितने भी कृष्णा जी की ज्वेलरी से, मतलब जितने भी गहने, इन सबको मैं पहले येलो कलर से कलर करूँगा, फिर उसमें जो भी रेडियम लगे उसको रेड कलर से। सो गाइस, ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनने वाली, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई फेस रिवील कब हो रहा है, तो फेस रिवील में बहुत ही दिल करूँगा। वो दरअसल क्या कि मेरे एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं, इसी की वजह से मैं फेस रिवील नहीं कर पाऊँगा, और वीडियो भी थोड़ी सी लेट आएगी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर आइस कलर हो चुकी है, और लिप्स को मैंने रेड कलर किया था, और अब मैं फेस के लिए ब्लू कलर का पेंसिल कलर यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल कलर से करने के बाद मैंने यहाँ पर वॉक्स क्रेयन का ब्लू क्रेयन लिया है, जिसको मैं ऊपर से फिर से उस पर कलर करूँगा। इससे क्या होगा, जो भी जगह बच गई रहेगी पेंसिल कलर में, वो सब इसमें कवर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। तो ऐसे ही मुझे पूरी बॉडी पर करना है। सो फटाफट से मैं पूरी बॉडी को कलर कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वीड़ियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और आप लोग को भी बोर ना हो। और गाइस, आप लोग मुझे ड्राइंग के और नए नए आइडियाज़ कमेंट करके सेंड कर सकते हो, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर लगभग कृष्णा जी की पूरी बॉडी को कलर कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर फिर से वॉक्स क्रेयन से इसको कलर कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा एकदम सेम, आप भी ऐसे ही ड्राइंग कर सकते हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग स्किल्स और ज़्यादा अच्छी होगी। तो अब मैंने यहाँ पर लेग को कलर करना शुरू कर दिया है, सेम वही प्रोसेस करेंगे, पहले पेंसिल कलर फिर क्रेयन कलर। सो अब मैं कृष्णा जी की धोती को कलर कर रहा हूँ, जिसके लिए हमने रेड कलर का यूज़ किया है। और यहाँ पर गलती से थोड़ा सा कलर मैंने स्प्रेड कर दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पर मैंने लाइंस टू लाइंस कलर करना शुरू किया है। धोती के लिए रेड एंड येलो का मिक्सचर करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना है हमें, पहले पेंसिल कलर फिर क्रेयन कलर। और नीचे की धोती के लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। लगभग कृष्णा जी का ड्राइंग हो चुका है। अब बारी है मटकी की। तो मटकी के लिए सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर का पेंसिल कलर लिया था, जिससे मैंने मटकी को पूरा ब्राउन कलर कर दिया है। आपको लाइटली हाथों से करना, ज़्यादा दबा के नहीं करना है। और उसके बाद सेम यहाँ पर भी आपको क्रेयन कलर लेके उसके ऊपर से स्प्रेड करना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी रफ जगह रहेगी, जहाँ पर हम पेंसिल कलर से कलर नहीं कर सकते, वो जगह हमारे क्रेयन से फिल हो जाएगी। और सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर दूसरे मटके के लिए भी कर रहा हूँ, पहले लाइट उसके बाद क्रेयन। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि मैं अपनी वीडियोस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। सो गाइस, प्लीज़ कमेंट करना, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो लगभग कलर करके हो चुका है। अब बारे डिटेलिंग की, तो मैंने यहाँ पर पेंसिल से थोड़ा सा डिटेल किया था, और अब मैं सीडी मार्कर से हाइट लाइट करूँगा। तो मैं फुल बॉडी को हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं।
आप चाहे तो नॉर्मल स्केच पेन से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीडी मार्कर का यूज़ किया है, जो आपको नॉर्मली अपने अगल बगल के कहीं भी शोर पर मिल जाएगा आसानी से। तो जो मेन हाईलाइटिंग होती है वो धोती में होती है, तो मैंने वो भी कर दिया है। सो गाइस, ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि ड्राइंग कैसी लगी। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिटिल कृष्णा। तो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी ड्राइंग हमको कैसी लगी। सो अब आ रही है हमारे लकी सब्सक्राइबर की। तो इस वीडियो की लकी सब्सक्राइबर है गेमर गर्ल। सो थैंक यू सो मच गेमर गर्ल हमारे वीडियो में इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, और ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहना। तो आज की वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, जय हिंद।